Hey guys, what's up? Welcome back to Seasons with Palak and let's start the vlog. And ये होगा एक वीक का या कुछ दिनों का vlog because हर दिन बहुत कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, मगर एक वीक में बहुत कुछ होता दिखाने के लिए. So let's get started. आज मैंने बहुत अच्छा सामान खरीदा, मतलब इतनी अच्छी डील्स मैंने आज तक नहीं सुनी. सो सरोजनी के हैक्स क्या है, पहले तो आप उसको उसका प्राइस सुनो, फिर से अपना प्राइस बताओ, फिर अगर वो ना माने तो आप बोल दो हमें लेना ही नहीं और वहाँ से निकल जाओ. वो गिरते रहेंगे, प्राइस गिरते रहेंगे एंड जब तक आपके पैसे को ना आ जाए मत लो. मतलब आप वहाँ पे 300 से 50 तक आ सकते हो, इतना मार्जिन है उनके पास. सो वैसे वंडर हो कि वो अर्न क्या करते हैं, बट या जैसे मैं बता रही हूँ, वहाँ पे मैंने जो बूट्स देखे थे वो 500 से शुरू हुआ था और वो 250 पे आ गया था. देन वहाँ पे सैंडल्स, मतलब बहुत अच्छी सैंडल्स, अच्छी क्वालिटी की सैंडल्स 150 रुपीज़ में मिल रही थी, एक जगह पे 100 रुपीज़ में मिल रही थी. खाना वहाँ पे बहुत ही सस्ता सा है, जैसे हम स्ट्रीट फूड खाते हैं तो अपन नॉर्मल खाना उस प्राइस पे मिल रहा था. देन सॉक्स, वो 100 रुपीज में 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स दे रहा था और 1 पेयर मैंने खरीदा 25 रुपीज में. सो मॉर एन अमेजिंग डील, राइट? तो आप बस बार्गेन करते जाओ और आप अपने प्राइस तक पहुँच जाओगे. सो दैट्स द टिप फॉर सरोजनी नगर. एंड सो गोइंग टू सरोजनी वॉज अ सक्सेस अगेन. एंड अभी वहाँ पे सेल चल रही है कोई, तो बार्गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी क्या बिल्कुल भी, विच इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज मुझे नहीं करना आता. आ जाएगा कॉलेज में गई हूँ, आ जाएगा. एंड अब
लोहड़ी, बाय द वे आज लोहड़ी है एंड लेट्स सी ये व्लॉग कब जाते हो ऊपर। अब मुझे बहुत मजा आए और अब मैं खेल रही हूँ सिम सिटी बिल्ड इट। तो मेरा कजन आया था लास्ट वीक इसीलिए एक्चुअली एंड उसने कोई गेम प्लेस करी यानी इतनी अमेजिंग गेम है और स्पॉन्सर्ड नहीं है कि मैंने मनाया मैंने करा है स्टोरी देख लो देखो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा देखो seminar hall where I am gonna perform I mean I'm gonna speak let's see how it goes abhi tum dhoond rahe ki registration hoga ye kyunki usse first 25 teams select karenge and pata nahi chal raha registration kaha ho gaya magar ha debate to ye bhi ho gaya kyunki board laga hai and abhi yahan pe meeting chal rahi hai प्राइस वर्थ 50,000 लेकिन ये जो बिजनेस कैश मिलेगा मेरे का जो टीम वाला वो पकड़ा देंगे क्योंकि आई डोंट थिंक से यहाँ पे 50,000 मिलने वाले हैं क्योंकि सेटिंग में 9 बजे पहुँचना था रजिस्ट्रेशन के लिए हम पहुँचे वहाँ पर जो रजिस्टर कर रहे हैं वही पहुँचा हुआ फिर उन्होंने कहीं कहीं से जुगाड़ करा और रजिस्ट्रेशन शुरू करा वेरी बकवास हम लर्न कर रहे हैं लेट्स सी क्या होता है बुरा तो यह है कि जब से शुरू होगी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है बाकी बस स्टिल यू कैन होप फॉर द बेस्ट ना बेस्ट ऑफ लक टू अस पक्के को नहीं एक्चुअली है वी गॉट 24 नंबर एंड यस इट इज लास्ट वी आर नॉट गुड थिंग बिकॉज़ वी वांटेड 10 बहुत ज़्यादा देर लग रही है और इसलिए हम बाहर आ गए हम कैंटीन गए थे हमने कुछ खाया फिर हम चॉकलेट खाई फिर उसने कॉफ़ी पी सो आई एम बैक फ्रॉम कॉलेज एंड हम वहाँ पर रिजल्ट ले नहीं रुके हमारे बाद भी 10 और पार्टिसिपेंट्स थे सो कोई सेंस नहीं बनता था रुकने के लिए हमें खुद को 5 बज गए थे सो हम एनीवेज 4:30 मैंने अपनी स्पीच दी मैं उसके थोड़ी सी चीज़ें डालूँगी यहाँ पे क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बना नहीं सकती थी ऐसे तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी अपनी तो मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप्स डालूंगी और अभी आप उस सुनने वाले हैं एंड सो हमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा क्या हुआ बिकॉज ऑब्वियसली राइट एंड लेट्स सी क्या होता है अगर हम जीतेंगे तो हमें कॉल आ जाएगा दो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है जीतने की क्योंकि बहुत ही अच्छे स्पीकर थे वहाँ पे एंड ज़्यादातर लोग ना हिंदी में ही बोल रहे थे मतलब ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए एंड ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती है ऐसा कुछ वगैरह वगैरह क्योंकि इंग्लिश में ही बोलते हैं आजकल और मेरे को ये लगता है कि डिबेट देना इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है हिंदी से क्योंकि हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं इतने बड़े बड़े शब्दकोश ये वो रॉकेट जैसे वर्ड्स होते हैं तो जो समझ नहीं आते तो मैं एक छोटा सा समरी में ठीक सॉरी क्या बोल रही हूँ छोटा सा समरी एक छोटी सी समरी में बताती हूँ क्या हुआ आज। पहले हम वहाँ पे गए हमें वहाँ पे 9 बजे पहुँचना था 9 बजे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू होनी थी जो नहीं हुई रजिस्ट्रेशन शुरू सो हमने वेट करा 9:30 हम उनके 1 बजे पे सेमिनार होने वाला था वहाँ पे हम उनके रूम के बाहर खड़े होकर उनकी बुराइयाँ कर रहे थे तो 9:30 हम उनके एक रूम के बाहर खड़े होकर जहाँ पे ये होना था उनकी बुराइयाँ कर रहे थे कि कैसी मैनेजमेंट है कैसा यूनियन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाँ कि कैसी यूनियन है और हमारा कॉलेज जो है तो ऐसे नहीं होता हमारा कॉलेज यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मतलब अगर हम ऐसे करते ना तो बस हमारी लगा देते सब एंड ऐसा ही होना चाहिए आई गेस ऐसा ही होना चाहिए एनीवेज सो उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आके खड़ी होती है वो सुन रही होती है कि हम बुराइयाँ कर रहे हैं वो कुछ बोल नहीं रही ठीक है उसके बाद हमने उसे बोला आप भी पार्टिसिपेट करने आए हो फिर उसे याद आता है ओ नो मैं तो यहाँ की मेम्बर हूँ कहती वैसे रजिस्ट्रेशन हमसे पूछती वो रजिस्ट्रेशन का और ये वैसे मतलब सी
फिर हमने कहा रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है, फिर कहती ओ नो, फिर उसने एकदम से क्लासरूम से एक टेबल अरेंज करवाई, वहाँ पर वो बैठी, एक पेपर लिया, ऐसे ही कुछ भी, और शुरू हो गई लिखना नेम वेम ये वो, और उसको ये भी नहीं पता था कि ये टीम में हो रही है, तो ना हर कॉलेज से दो लोग नाम लिखवा रहे थे, हमने तो पूछती कैसे से लोगे, दो दो कॉलेज से, दो दो लोग आ गए कॉलेज से, फिर उनको बताया गया कि ये टीम में हो रहा है। एक बंदे को एक प्रॉब्लम थी तो वो कहते हैं नथिंग इज इन आवर हैंड्स, इट्स ऑल अबाउट लक, ये भी हुआ। एंड उसके बाद हमें एक रूम में भेज दिया गया, वहाँ पे हम बैठे, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 o'clock डिबेट स्टार्ट, 10:30 11 डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, मगर डिबेट स्टार्ट हुई 11:30। इतनी स्लो डिबेट जा रही है, उन्होंने उन कोई मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं था उनका, उन्होंने वहाँ पे बैठ के स्लॉटिंग करी मतलब, और उन्होंने लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा, और हम बिल्कुल आगे के पहुँच गए थे, और हमें मिला स्लॉट नंबर 24, लाइक विच टुक फॉर एवर टू कम राइट, विच आई मीन एनी वेज देन उन्होंने लिखा था कि सिर्फ 25 टीम्स को लेंगे एंड दे टू 35 टीम्स, ठीक है, तो हमारे बाद भी मतलब 10-11 लोग थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली मेरा हाथ दर्द हो रहा है सब करके कैमरा, हाँ, उसके बाद फाइनली हमारी बारी आई। हाँ एक और बात आती, उन्होंने बीच में ब्रेक दिया और रिफ्रेशमेंट्स दी, और द ब्रेक वॉज सपोज टू बी फॉर 20 minutes एंड ब्रेक 40-45 मिनट्स तक चला, मतलब कैन यू इमेजिन, कभी जजेस गायब, कभी पार्टिसिपेंट्स गायब, कभी उनकी वो बेल बजाने वाली गायब, तो ओके सो ये सब हुआ। उसके बाद हमारी बारी आई, हमारी बारी आते आते जो जज थे उसने कहा पेपर यूज़ नहीं करना, हमारी तो लग गई। सो एनीवेज हमारा बहुत अच्छा हो गया, आई मीन मैं एक दो जगह फंबल करी, सो या होता है। हाँ मैंने तो नहीं जीतना ऑफकोर्स, मेरे को पता है, क्योंकि मुझसे बहुत अच्छा भी बोला लोगों ने, हिंदी वालों ने तो मतलब बहुत ही अच्छा बोला, मतलब एक से तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस ही हो गई। हिंदी वाली एक लड़का था, वो दिल्ली का नहीं है, वो एक एग्री एक फार्मर का बेटा था, और वो आया और सबको लगा था कि ये MSI होगा, और उसने बोलना शुरू करा, मतलब उसने इतना अच्छा बोला, मतलब उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहते हैं ना कि नींद आ रही होती है और आप एकदम से जाग जाते हो कि ये कौन आ गया, वैसा सा था उसका। एनीवेज सो उसके बाद हमारी जब हो गई डिबेट, हमारा पार्ट ख़त्म हो गया, फिर हम नहीं रुके एक मिनट भी, क्योंकि हमारे बाद भी 10 पार्टिसिपेंट्स थे, विच मेंट और 2 घंटे लगेंगे, और इतनी पेशेंस बिल्कुल नहीं थी, ऑलरेडी 5 बज गए थे, तो हम निकल गए। उसके बाद मेट्रो में टचवुड हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, 2 सीट्स भी नहीं मिली। एनीवेज दैट्स अनदर थिंग, सो या डिबेट में ऐसे ऐसे हुआ, एंड नाउ आई एम गोना एंड द वीडियो ऑन अ गुड नोट, एंड ये व्लॉग बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, उसे शेयर कर देना प्लीज। एंड हाँ, 1145 सब्सक्राइबर से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते, तुम बढ़ाना चाहते हो तो शेयर कर दो। एनीवेज एंड ऑरेंज जूस, चीयर्स। द एस्केलेटर डजंट वर्क एंड यू वुड थिंक दे वुड स्टिल बी यूज्ड एज स्टेयर्स, बट इन इंडियन इकोनॉमी इवन द स्टेयर्स आर अनएम्प्लॉयड। Good evening to one and all present here. Today, I, Palak Gogia, stand before you to speak in favor of the topic, The Nature of Indian Economy is Not Employment Conducive. A man willing to work and unable to find work is perhaps the saddest thing. In a dynamic changing economy like ours, there will always be functional unemployment. Many economists believe that the basic cause of this functional unemployment is imperfect and incomplete information, which prevents individuals from leaving one job and finding another job instantly. Consider the situation where there are 1,000 job vacancies and 1,000 job seekers. What do you think? Will there be any unemployment?
according to me, there will be an unemployment because not all the job seekers know where an available job is. Neither the job provider will accept the first applicant. So, because of this bridge between the seeker, the job seeker, and the employee, unemployment prevails. Matching qualified workers with a job takes time. Any system of economics is bankrupt if it sees either value or virtue in unemployment. Another reason of unemployment in our economy is that it does not provide job to the deserving candidates because of some structural inequalities like caste, religion, gender, age, etc. Indian economy. This 21st century modern society, we are seeing that a person is not getting job on the basis of caste and gender. It's really heartbreaking. Look, we have these quotas because of this only, because people really don't get job. That's why we have quotas, right? So that simply answers my question. Anyways, if you like the video, don't forget to give it a thumbs up button, don't forget to subscribe, share, comment, blah blah blah, ये सब कर देना जो बताती हूँ मैं हर बार, जो तुम करते नहीं हो, कर भी दो, नहीं करोगे, मत करो. Anyways, bye.